हेलो दोस्तों, एनिमल किंगडम के सभी जीवों में कोई ना कोई फीचर्स ऐसा होता है जो उन्हें सभी जीवों से अलग बनाता है। जैसे कि मोर, मोर के पास बेहद सुंदर पंख होते हैं जो इनकी पहचान है। ठीक वैसे ही मैंडरिन फिश, इसकी पहचान उसका रंग है जो इन्हें बाकी मछलियों से अलग बनाता है। ये तो रही दूसरे जीवों की बात, लेकिन इस वीडियो में हम उन जीवों की बात करने वाले हैं जिनके पास दमदार और ताकतवर सींग है। हम सभी अभी तक जितने जानवर देखे हैं उनमें से कुछ जानवरों के सिर पर हमें सींग देखने को मिलते हैं, वो भी उसके शरीर के मुकाबले छोटे होते हैं। मगर एनिमल किंगडम में हमें ऐसे जीव भी मिलते हैं जिनके सींग असामान्य रूप से काफ़ी बड़े होते हैं और उनका शरीर काफ़ी छोटा होता है। यह सारे जीव अपने सींग की बदौलत जंगल की दुनिया पर राज करते हैं। हम सभी बचपन से ज़्यादातर काउज या बफेलोज के सींग ही देखा करते थे, इसलिए आज के इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे बड़ी काउज के सींग भी आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलो देखते हैं आखिर वो जीव कौन से है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो नंबर 1, एंकोली लॉन्ग हॉर्न कैटल। जैसे कि हमने बोला था, दुनिया की सबसे बड़ी गाय और उसके सिंग। जंगल की दुनिया में इस तरह के डरावने सिंग शायद ही आपको आम जानवरों में देखने को मिलेंगे। ये बड़े से सिंग लॉन्ग हॉर्न कैटल का खास फीचर है जो भीड़ में इन्हें सबसे अलग करता है। कैटल की ये प्रजाति मुख्य रूप से सांगा कैटल ब्रीड से ताल्लुकात रखती है, जो विशेष रूप से सेंट्रल अफ्रीका में पाई जाती है। इस प्रजाति को अंकोली वाटूसी नाम से भी जाना जाता है और यह कई रंगों में देखने को मिलती है, जिसमें लाल रंग सबसे कॉमन है। इसके अलावा यह जीव काले, सफ़ेद और भूरे रंग में पाए जाते हैं। और इसके सिंग की बात करें तो इसके सिंग में काफ़ी फैलाव देखने को मिलता है और ये लंबाई में 2.4 मीटर तक बढ़ सकते हैं। और यह कैटल्स स्ट्रांग होने से इन्हें सेंट्रल और नॉर्थन अफ्रीका में फार्मिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नंबर 2, अल्पाइन आइबेक्स। अल्पाइन आइबेक्स, जिसे कैपेरा आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है, यह एक तरह की वाइल्ड गोट है जो यूरोपियन देशों के पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाली ये बकरी बाकी बकरियों से काफ़ी अलग है, क्योंकि इनके शरीर के मुकाबले इनके सिंग ज़्यादा बड़े और मजबूत होते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हो, इसका सिर कितना छोटा है लेकिन इसके सिंग बड़े और चौड़े होते हैं। इसके अलावा बकरी के सर का रंग ग्रे कलर का होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वाइल्ड गोट काफ़ी सामाजिक होती है, क्योंकि ये इंसानों के साथ घुल मिलकर रहती है। इस प्रजाति के मेल और फीमेल अकेले रहना ही पसंद करते हैं और साल में जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम देना होता है तभी साथ आते हैं। इस प्रजाति के मेल और फीमेल दोनों में आपको बड़े सिंग देखने को मिल जाते हैं और यह अनोखा फीचर इस बकरी को बाकी बकरियों से बिल्कुल अलग बनाता है। और साथ ही आपको बिग हॉर्न शीप के बारे में भी जानना है, जिसके सिंग इसके तरह ही ताकतवर और बड़े होते हैं। तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने हमारी सोच से भी ज़्यादा ताकत रखने वाले जानवरों के बारे में बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो के बाद वह वीडियो जरूर देखिएगा। अब नंबर 3, हॉर्न काऊ। हम सभी ने बचपन से ही दो सिंग वाली गाय को ही देखा है, मगर अभी तक हमने तीन सिंग वाली गाय को नहीं देखा है। लेकिन अब हम जिस जीव को दिखाने जा रहे हैं उसके पास दो सिंग ना होकर तीन सिंग है। आप वीडियो में साफ तौर पर इस गाय के पास तीन सिंग देख सकते हैं, जो कि बेहद अजीब है। किसी भी गाय के सिर पर दो से ज़्यादा सिंग नहीं होते हैं, मगर हॉर्न काऊ के पास तीन सिंग होते हैं। और यह प्रजाति भी सांगा कैटल ब्रीड से ही आती है। और यह गाय की प्रजाति युगांडा में पाई जाती है। वहाँ के लोग इन गायों को बेचना या खरीदना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ तीन सिंग वाली गायों को भगवान का रूप माना जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। और इस गाय की प्रजाति बहुत रेयर होती है और यह केवल युगांडा में ही देखने को मिलती है। अब नंबर 4, स्किमिटर हॉर्न ऑरिक्स। इस जीव को स्किमिटर हॉर्न ऑरिक्स और सहारा ऑरिक्स के रूप में भी जाना जाता है। यह ऑरिक्स 100 साल पहले पूरे उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते थे, मगर इनके खूबसूरत सिंग के कारण इनका बहुत शिकार किया गया, जिससे सन 2000 में इनकी संख्या बहुत कम हो गई। फिर भी एक्सटिंक्ट होने के बाद भी इन्हें सुरक्षित रखा गया ताकि ये हमेशा के लिए धरती से खत्म ना हो। इनके यह सिंग आपको डरा सकते हैं, क्योंकि इनकी लंबाई 1 मीटर से भी ज़्यादा होती है। और इनके वजन की बात करें तो मेल ऑरिक्स का वजन 200 किलो तक हो सकता है और फीमेल ऑरिक्स का वजन 140 किलो तक हो सकता है। इनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि अगर आप इन्हें जंगलों में ढूंढने के लिए जाओगे तब स्किमिटर ऑरिक्स आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। अब नंबर 5, जायंट ईलंट। जायंट ईलंट नाम का यह जानवर देखने में हूबहू हिरण के भाते ही दिखता है, क्योंकि यह प्रजाति हिरण की सबसे बड़ी प्रजाति है। यह सेंट्रल अफ्रीका में ज़्यादातर पाए जाते हैं और यह अपने शरीर से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इनकी बॉडी लेंथ 100 से 120 इंच तक होती है। अगर आप इनके सिंग नज़दीक से देखें तो आप पाएंगे कि इनके सर के पास से सिंग मुड़े हुए हैं, जबकि आखिरी छोर पर सिंग सीधे हैं। इस प्रजाति में नर के सिंग 123 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, लेकिन मादा के सिंग नर के मुकाबले थोड़े से छोटे होते हैं। इनके सिंग का आकार 70 सेंटीमीटर तक होता है।
तो दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद कुछ बड़े सिंग वाले जानवर जिनके सिंग की लंबाई देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। तो आपको इन जानवरों में ऐसा किसका सिंग सबसे जानलेवा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।